अतुल प्रधान पर जानी थाने में एक मुकदमा दर्ज किया है, जिसको लेकर सिपाहियों में आक्रोश नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में सिपाहियों के दलों ने जिलाधिकारी को मुकदमा वापस लेने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। शनिवार को भारी संख्या में सिपाही जिला मुख्यालय पर पहुंचे। पहले तो उन्हें गेट पर ही रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी संख्या अधिक होने के कारण सुरक्षा कर्मियों को पीछे हटना पड़ा। सिपाहियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। राजदीप विकल अपने दर्जनों समर्थकों के साथ जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और जिला अधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग करने लगे। इसके बाद जिला अधिकारी ने 5 लोगों को अपने ऑफिस के अंदर बुलाया और उनकी मांग सुनी। इसके बाद सिपाहियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सिपाहियों का कहना था कि किसी मजबूर की मदद करने का नतीजा यह है कि मदद करने वालों के खिलाफ ही पुलिस द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज किया जाए। जानी पुलिस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने इस मुकदमे को वापस लेने की मांग की। जानी पुलिस की कार्रवाई से सिपाहियों में आक्रोश है। देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस प्रकरण में आगे क्या कार्रवाई करता है। हमारी मांग यह है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ये सरकार प्रति मुकदमा लगा रही है, हम उसको लेकर आज बैठे हैं, क्योंकि अभी अतुल प्रधान के ऊपर, सब लोगों पर, जो भी सरकार के खिलाफ जो अभी हत्याएं हो रही है, आप देख रहे हैं, लूट हो रही है, शराब से जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, NCERT की किताबें जो नकली ये भाजपा के लोग बेच रहे हैं, उसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नहीं चाहती कि इनके खिलाफ कोई बोले, कोई आवाज उठाए कोई, लेकिन हम लोग जब जैसे जैसे ये सरकार की इस सरकार में जाती होगी, पब्लिक के साथ आप देख रहे हैं किस तरीके से लूट और डकैती हो रही है। अभी जागृत विहार में अमन जी को मार दिया, हमारी सरकार ने उनकी आर्थिक मदद भी की थी, अखिलेश जी ने उनसे बात की और उनको बुलाया कि हम मदद करेंगे और मैं मेरे टाउन में तो अमन जी के घर पे जाऊंगा। तो ये समाजवादी पार्टी जयपुर खेड़ा के अंदर 3 लोग मरे भाई, तो उसमें अतुल प्रधान जी वगैरह हम सब लोग गए, उनकी आर्थिक मदद भी करी, उनकी लड़ाई लड़ी। तो ये जो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसे सरकार बुला रही है, क्योंकि हमारा देश जो यहाँ डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी का राज्य अपनी बात कहने का अधिकार है, उठाने का अधिकार है। अगर जो इस तरीके के फर्जी मुकदमे होते रहे तो समाजवादी पार्टी के लोग आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन होगा पूरे प्रदेश में होगा। ठीक है।